हेलो स्टूडेंट्स, अपना बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 नव देवेज का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर्स उन लेक्चर्स को जाके देखिए, इसके बाद में लेक्चर नंबर 6 देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले ही हम लोग देख लेते हैं, पहले 2-3 सिंपल नोट है जो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने इंटीजर्स पढ़े थे, तो इंटीजर्स में क्या था कि एक पॉजिटिव नंबर्स होते थे, एक नेगेटिव नंबर्स होते थे। तो अब इससे रिलेटेड कुछ नोट यहाँ पे है, उन्हें हमें फॉलो करना है। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई दो नंबर अगर गिवन है तो उनको हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो पहला नोट क्या है, द नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन जीरो। आपने पढ़ा होगा कि जीरो से जो छोटे नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जीरो से बड़े नंबर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो से छोटे होंगे, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, द पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव नंबर सब क्या होंगे, जीरो से बड़े होंगे। जैसे कहीं पे ऐसा नंबर दे रखा है, देखो -5/3 और यहाँ जीरो, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, कौन सा है वो बताना है। तो अभी अभी हमने समझा कि ये वाला नंबर नेगेटिव है और ये जीरो है। नेगेटिव जीरो से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला नंबर स्मॉलर होगा। आप लोगों को ये साइन का पता ही होगा, जिधर ये साइन ओपन होता है उस साइड क्या होता है, ग्रेटर वाला पार्ट आता है, नंबर आता है, और जिस साइड ये क्लोज होता है, ठीक है, वर्टेक्स टाइप का ये बनता है, उधर क्या होगा, स्मॉल वाला पार्ट आएगा। तो नेगेटिव और जीरो दिखा तो ऑटोमेटिकली जीरो बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे ही द पॉजिटिव नंबर आर नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे के सारे जीरो से बड़े होते हैं। तो देखो यहाँ पे 5/3 और जीरो दे रखा है, तो 5/3 क्या है, पॉजिटिव है और जीरो से बड़ा होगा। तो यहाँ क्या आएगा, ये वाला नंबर 5/3 क्या होगा, बड़ा होगा, जीरो क्या होगा, छोटा होगा। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने पढ़ाया था कि कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, रैशनल नंबर, अगर जैसे p/q एक रैशनल नंबर होता है, अगर p भी पॉजिटिव है और q भी पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव हो सकता है, और अगर p भी नेगेटिव है और q भी नेगेटिव है तो भी नंबर माइनस से माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, p/q बचेगा। तो यानी कि ये दोनों केसेस क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर के हैं। तो अगर हम बोले कि -5/-3 और जीरो, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में पॉजिटिव नंबर है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या आएगा, 5/3, और 5/3 जीरो से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरा नोट क्या है, ये भी बहुत आसान नोट है। क्या बोला है, इफ वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव देन द पॉजिटिव नंबर विल बी ग्रेटर वन। यानी कि ग्रेटर वन, तो अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ पे -1/2 दे रखा है और 1 दे रखा है, 3/5 ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हमेशा क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, और जो पॉजिटिव नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दो चीजें और है, एक चीज है ये भी हमेशा ध्यान रखना है। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम नेगेटिव में बढ़ते जाते हैं आगे, जैसे -2 से -3 पे गए, -3 से -4 पे, तो नंबर क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। यानी कि नेगेटिव में जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है बिना साइन के, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे -1000 है, तो यहाँ पे ये ओनली 1000 है विदाउट साइन, ये क्या कहलाता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है, और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 500। यानी कि जिस नेगेटिव नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये लिखा देखो, दो नेगेटिव नंबर्स में जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान रखना विदाउट साइन, साइन के बिना न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है, बड़ी होगी वह नंबर स्मॉलर होगा। तो यहाँ देखो -1000 और -500, तो -1000 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटी है। तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। मतलब यहां क्या होगा, -1000 क्या है, छोटा है, और -500 क्या है, बड़ा है। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे आप यहां बात करें तो -1 से छोटा क्या होगा, -2,
क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, फिर उससे छोटा क्या होगा, ये होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, चार जो बेसिक नोट थे वो हमने पढ़ लिए। अब इन चारों नोट के ऊपर ही यहाँ पे चार क्वेश्चंस की बने, इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखो क्या है, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, ये चार पेयर दिए हुए इनमें से कौन सा बड़ा है। तो अब देखो अप्लाई करते हैं, ये नंबर पॉजिटिव दिख रहा है, 3 और 8 दोनों पॉजिटिव है इसलिए, या दोनों नेगेटिव होते तो भी क्या होता, वो नंबर पॉजिटिव होता, ये जीरो है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो ग्रेटर वन कौन सा है, मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ जो भी बड़ा है उसके ऊपर। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ क्या है, -2/7 और 0, तो -2/7 नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, तो यानी कि बड़ा कौन सा है इनमें, जीरो होगा। अब यहां देखो एक नंबर है -5/3/4, एक है 4/1/4, तो अभी हमने ये भी नोट पढ़ा, देखो तीसरा नोट कि एक नंबर अगर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है, तो पॉजिटिव वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, ग्रेटर। अगर स्मॉलर फाइंड करना होता तो जस्ट ऑपोजिट होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -15 और -3 है, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी नेगेटिव के अंदर, वो वाला नंबर क्या होगा, छोटा छोटा होगा, तो ये -15 वाला नंबर क्या होगा, छोटा होगा, और -3 क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो हमने बेसिक नोट के ऊपर कंपैरिजन पढ़ लिया, लेकिन अगर रैंडम जैसे कि दोनों नेगेटिव फ्रैक्शंस के मतलब रेशनल नंबर्स की फॉर्म में कोई दो नेगेटिव वो दे दिए हमारे को रेशनल नंबर्स, या दो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स दे दिए, तो क्या करेंगे, तो उनको कंपेयर कैसे किया जाता है, उसके भी हमारे को दो केस पढ़ने, एक केस यहां देखते हैं और एक केस हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो देखो केस वन ये है कि जब डिनोमिनेटर्स क्या हो, इक्वल हो, और दोनों के दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नहीं है तो हम पॉजिटिव बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो कैसे किया जाएगा, तो अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम है, तो हमें केवल न्यूमेरेटर्स को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या करना है हमारे को, कंपेयर न्यूमेरेटर्स। जब न्यूमेरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर न्यूमेरेटर वाला नंबर ग्रेटर होगा, यानी जिसका न्यूमेरेटर बड़ा वो वाला नंबर बड़ा होगा। जैसे इन दोनों से समझते हैं, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है 7/7, तो हमारे को डिनोमिनेटर्स के बारे में तो कुछ सोचने ही है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर दोनों के क्या है 11/11, तो हमें किसके बारे में सोचना, न्यूमेरेटर्स को कंपेयर करना। तो न्यूमेरेटर्स में ये क्या है, 4 छोटा है, 5 क्या है, बड़ा है, तो अभी हमें क्या पड़ा, ग्रेटर न्यूमेरेटर वाला नंबर ग्रेटर होगा। तो यहां क्या होगा, ग्रेटर न्यूमेरेटर कौन सा है, ये 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि 5/7 क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, 4/7 से। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में यहां देखो, तो यहां क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के क्या है 11/11 है, फिर न्यूमेरेटर्स को कंपेयर करेंगे, तो अभी अभी हमने सीखा है कि -7 और -4 जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी है नेगेटिव में, वो नंबर छोटा होता है, यानी -7 और -4 में -4 बड़ा है, -7 छोटा है, तो जो बड़ा है वो वाला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, -4/11 क्या है, ग्रेटर है किससे, -7/11 से। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एंड यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, -7 से बड़ा है -4, इसलिए ये वाला बड़ा हो जाएगा, और यहाँ 5 बड़ा है इसलिए ये वाला रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। अब इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग 2-3 क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं। तो देखो एक है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर दोनों के 7 है, यहाँ क्या है न्यूमेरेटर -5 है -4 है, तो नेगेटिव में जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी छोटी वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन, ग्रेटर कौन सा होगा, -4/7, क्यों, क्योंकि -4 क्या है -5 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे तो वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। यहाँ देखो एक 5 डिनोमिनेटर दोनों के कितने हैं 11/21 है, यहाँ पे न्यूमिनेटर कितना 5 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 बड़ा होता है, इसलिए ये वाला रेशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। उसके बाद में यहाँ देखें तो यहाँ तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो और ये भी लॉजिक लगा सकते हो, तो देखो 9/9 क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है -5/2, तो अभी हमने पढ़ा है कि एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 वैसे भी -5 से बड़ा है, तो यहाँ ये वाला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब यहां अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, साथ में न्यूमेरेटर्स भी सेम आ रहे हैं, जब न्यूमेरेटर्स भी सेम हो जाए तो उस वाले केस में दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इनको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर्स क्या हो, अनइक्वल हो, तो उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हो तो उन नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे उन रैशनल नंबर्स को। तो देखो सेकंड केस है हमारा व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। तो सबसे पहला काम तो हमारे को क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। जैसे ही डिनोमिनेटर्स इक्वल बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, केस वन बन जाएगा। हमने केस वन में क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, और जैसे ही केस वन बनेगा तो उसको केस वन को जैसे कंपेयर किया था कि उसके बाद में न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है, और जिसके जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो वाला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें वही करना है। तो देखो दो स्टेप में इसको फिनिश करना है। सबसे पहले मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल टू, अब किसके इक्वल बनाना है हमारे को डिनोमिनेटर्स को, एक मिनट में फिनिश कर लेते। तो देखो तो हमारे को मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये दोनों डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम आएगा उसके इक्वल क्या करना है हमारे को डिनोमिनेटर्स को बनाना है, और उसके बाद में क्या करना है कंपेयर न्यूमिनेटर्स। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो वाला रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो देखो इसका क्या मतलब है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ दो रेशनल नंबर से आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है। तो दोनों को सेम बनाना, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ऑफ सबसे पहले तो 3, 4। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, लगातार दो नंबर्स अगर कहीं पे भी दे रखे हैं तो उनका एलसीएम हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। तो ये शुरू के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बेसिक सिखाए थे, तब क्या किया था इसका एक नोट भी लिखवाया था कि अगर लगातार दो नंबर्स है तो उनका क्या होगा एलसीएम, उन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके फाइंड किया जा सकता है। तो देखो अब हमें क्या करना है, 3 को भी 12 बनाना है, 4 को भी 12 बनाना, बनाए कैसे। तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में क्या होता था कि अगर दोनों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो नया रैशनल नंबर मिलेगा वो भी उसके इक्विवेलेंट ही होगा। तो हमें क्या करना है, इस 3 को बनाना है 12, और ऐसे ही यहां क्या करना है, इस 4 को बनाना है 12, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल बनाना है। तो अगर इस 3 को 12 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को कर रहे हो तो न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तभी तो हमारा रैशनल नंबर इक्विवेलेंट बनेगा। तो यहां तो क्या हो गया, देखो 3, 4 जा 12, यहाँ पे 2, 4 जा 8 हो गया, मतलब इसके इक्विवेलेंट अब क्या बन गया, 8/12 बन गया। सिमिलरली 4 से 12 बनाना है तो 4 को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 9। अब हमारे जो ये रेशनल नंबर्स है 2/3 और 3/4 जो एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में 8/12 और 9/12। तब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाते हैं तो हम किसका कंपेरिजन करते हैं, न्यूमिनेटर का। तो 8 और 9 इनमें किसका न्यूमिनेटर बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये वाला रेशनल नंबर क्या हो गया, बड़ा। अगर ओरिजिनल फॉर्म के हिसाब से देखें तो 2/3 ये था, यानी कि 2/3 छोटा होगा और 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा, जो कि कौन सा था, ये होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर हम लोग 3-4 एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे सेम सिमिलरली वही चीज हमें फॉलो करनी है कि हमारे को मेजर फोकस यही करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके दोनों को फिर क्या करो, केस वन के जैसे बना लो। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम लो, और एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर्स का उसके इक्वल करना हो। इक्वल करने के लिए क्या यूज करना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो देखो यहां क्या है, -4/3। अब यहां पे 3 और 7, अब ये भी मैंने बताया था कि अगर दो प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके अंदर या तो 1 का डिवाइड होता है, खुद का डिवाइड होता है। तो अगर दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम लेना है तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हैं। आप लोग चाहो तो ऐसे प्रॉपर तरीके से लेके देख लिया करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग निकाल के देख लेना। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 20। यानी हमारे को क्या करना है, -3 को 21 बनाना है। सिमिलरली यहां भी क्या करना है, इसको भी 21 बनाना है। तो 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर माइनस 4 को भी क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -7, ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का आएगा 4, 7 जा 28 आ गया, और नीचे 3, 7 जा 21 है। यहाँ पे 7 से 21 बनाना है तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरेटर को भी, ऊपर बन गया माइनस का 24। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, कंपेरिजन करना है। तो कंपेरिजन में क्या होगा, देखो माइनस 28 नेगेटिव में बड़ा है इसलिए ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो बोल सकते हैं माइनस 28 अपॉन 21 ये क्या है, लेस देन होगा माइनस 24 अपॉन 21। तो हमें क्या बताना था, ग्रेटर लेस कुछ इसके बारे में पूछा नहीं था, तो हमने ये साइन लगा दिया। इस साइन को बोला जाता है इनइक्वालिटी। जैसे कि ये वाला साइन किसका होता है, इक्वालिटी का साइन होता है, तो वैसे ही ये ग्रेटर और लेस देन वाले साइन क्या होते हैं, इनइक्वालिटी। ये इक्वालिटी होता है तो ये इनइक्वालिटी बोला जाता है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलरली इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन यहां देखो एक चीज है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बना हुआ, नेगेटिव बना हुआ। तो पहले डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो हम क्या करें, तो देखो इन दोनों का पहले मैं एबो निकाल देता हूं आप लोगों के लिए डायरेक्ट। एलसीएम क्या आएगा इनका, तो एलसीएम जब डायरेक्ट निकालोगे, लगातार दो नंबर है तो एलसीएम कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72, तो कितना आया एलसीएम 72। अब हमें क्या करना है, दोनों को 72 बनाना है, ठीक है। ध्यान रखना अभी नेगेटिव है, मैं नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूं, अभी कैसे इसको एडजस्ट करूंगा वो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो तो हमें क्या करना है, इसको भी 72 बनाना है, और यहां क्या करना है, माइनस 5/8 है इसमें, इसको भी क्या बनाना है, 8 को भी 72 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाए, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इस माइनस के 9 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर लू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 8 72 बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर को माइनस 8 से किया है तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनेगा। तो फिर क्या होगा, देखो 7 8 56 है, प्लस और माइनस, माइनस का 56। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर यहां 8 से 72 बनाना है तो डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, माइनस का 45 होता है ये, माइनस ए प्लस है माइनस का 45। अब यहां देखो इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, तो हमारे को केवल क्या करना है, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है। तो न्यूमिनेटर्स में कंपेयर कैसे किया जाएगा, देखो तो जिसका न्यूमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, हमारा इसका नंबर बड़ा होगा, तो माइनस 56 तो माइनस 45 में क्या होगा, माइनस 45 बड़ा है और माइनस 56 छोटा है, तो बोल सकते हैं माइनस 56 अपॉन 72, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में देखा जाए तो ये था। ध्यान रखना हमें जब फाइनल आंसर लिखना, ओरिजिनल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ये क्या होगा, छोटा होगा, माइनस 45 अपॉन 72 क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, तो देखो अब इन दोनों का क्या लेना है, हमारे को वही एलसीएम लेना है। अब एलसीएम फिर से वापस लगातार दो नंबर्स आ गए, तो जब लगातार दो नंबर्स आते हैं तो उनको सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 को पहले 10 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 130, और फिर 13 को क्या करेंगे, 2 टाइम करेंगे तो 26 आएगा, 130 और 26 कितना हो जाएगा, 156। तो हमारे को इसको भी 156 बनाना है, इसको भी 156 बनाना है। तो देखो कैसे बनाए, इसको तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या वो ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव है तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, पॉजिटिव नंबर बन गया, और यहाँ क्या है, 7/-12, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये वाला जो रेशनल नंबर था वो नेगेटिव था और ये वाला रेशनल नंबर क्या था, पॉजिटिव था। तो अब हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि एक नंबर अगर पॉजिटिव है, एक नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाला नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और जो नेगेटिव वाला नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, आप चाहो तो पूरा इस प्रॉपर तरीके से भी करके देखना तो भी यही रिजल्ट निकल के आएगा। फिर हम आगे देखते हैं, तो देखो इन दोनों के अंदर हमारे को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले तो इसके नीचे क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, तो -3/1 बन गया। इसका एलसीएम लेना है तो 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 5 ही आता है, तो -12/5 है, तो इसको 5 बनाना है, तो 5 पहले से ही बना हुआ है, तो हम सिंपली क्या मान लेते हैं कि हमने इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। लेकिन यहां क्या होगा, इस 1 को हमें बनाना है 5 एलसीएम के इक्वल, तो यहाँ क्या होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -5, 3 को भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 5 = 5 और -3 5 = -15। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या बन गए, इक्वल बन गए, तो न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करो, तो -12/5 और -15/5,
तो नेगेटिव में ये बड़ा है इसलिए ये नंबर छोटा होगा, माइनस 12 क्या होगा बड़ा होगा, तो ये रेस का नंबर बड़ा हो गया और ये रेस का नंबर क्या हो गया छोटा हो गया। जिसको ओरिजिनल फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये एक्चुअल में कितना था माइनस 12/5 और ये नंबर कितना था माइनस का 3। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन है सेम इसी तरीके के, हमारे को एग्जांपल्स के जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, चार इनको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, ये दो दो का पेयर दिए हुए हैं आप लोगों को नंबर्स के, इनमें से कौन सा बड़ा है वो हमें बताना है। यहाँ पे तो हमने इनइक्वालिटी लगा दी है, यहाँ पे केवल क्या बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो बताना। तो देखो सबसे पहले वो ये दिमाग में बिठा लो कि एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल बनाना है, इक्वल बनाने के लिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है, और जैसे ही डिनोमिनेटर्स इक्वल बन जाते हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना है न्यूमिरेटर्स को कंपेयर करना है। तो देखो 3, 5 और 7 ये दोनों फिर से प्राइम नंबर्स आ गए तो डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 35 एंड माइनस 4/5 में इस 5 को भी 35 बनाना है और यहाँ पे -8/7 है इसमें इस 7 को भी 35 बनाना है। तो 7 को 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 और 5 ये माइनस का 28 हो गया, -8 और 5 कितना हो गया माइनस का 40 हो गया। अब दोनों को कंपेरिजन करना है तो देखो माइनस में जो नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो -40 छोटा है -28 बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा -40 यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखे, पहले मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, -40/35 लेस देन होगा -28/35 से, और ओरिजिनल फॉर्म में लिखे तो -8/7 ये छोटा होगा और -4/5 बड़ा होगा। तो हमें तो क्या पूछा था क्वेश्चन में बड़ा कौन सा है, तो बड़े के ऊपर मैं सर्कल कर देता हूँ तो ये क्या होगा हमारा ग्रेटर वन होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहां देखते हैं तो यहां देखो 3 और 5 का क्या होगा एलसीएम, लगातार मतलब दो प्राइम नंबर्स आ गए सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आएगा 15। यहाँ पे देखो माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैंने बताया था कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना होगा -1/3 को बनाना है हमें 15, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा 4/-5 को मल्टीप्लाई, इसको 15 बनाना है तो माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर देखो माइनस नीचे तो -, +3, 5 जा 15 और यहाँ पे +, -, और 4, 3 जा 12 बनेगा। अब दोनों को कंपेयर करना है तो 12 क्या होता है नेगेटिव में बड़ा है तो ये रैशनल नंबर छोटा होगा, तो बड़ा वाला कौन सा होगा -5 वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ तो ये वाला क्या हो गया हमारा ग्रेटर हो गया। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इन दो एग्जांपल्स को और सॉल्व करके देख लेते हैं, तो देखो इनको मैं एक तरीके से और आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ इस वाले एग्जांपल को ओनली, क्योंकि ये सेम ऐसा ही है, देखो ये वाला एग्जांपल एक जैसा ही है, तो मैं इसको डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व करके बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो देखो ये तो -2 है, अगर हम इसको इसे डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा, देखो माइनस को माइनस चलेगा, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा कितना आएगा 3 आएगा, मतलब 10 आ गया, फिर 3 बचा। अब जब 3 को क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, 2 टाइम करेंगे तो 10 आया, मतलब 2 टाइम किया तो 10 बच यहाँ आया और सबट्रैक्ट किया तो 3 बचा। अब 3 में डिवाइड नहीं होता तो 0 नोट करेंगे तो क्या लगाएंगे आप डेसिमल, और डेसिमल लगा के अब इसको इसमें 6 टाइम डिवाइड हो रहा है तो यहाँ कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि ये एक्चुअल में कितना है -2.6 है। मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि हम लोग क्या करें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के ही इसको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि पेपर में इसी से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखो ये चीज आप लोगों की जैसे नवोदय वगैरह का जो एग्जाम है उसके अंदर क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो देखो अब मैंने बताया कि -2.6 और -2 है, तो नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो यहाँ क्या है -2.6 बड़ा है नेगेटिव का और -2 नेगेटिव में छोटा है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, जो नंबर छोटा होगा नेगेटिव में वो क्या होगा ग्रेटर होगा। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं, तो देखो अभी जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे हम करेंगे, तो 5, 6 लगातार दो नंबर्स आ गए तो डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा, तो 4/5 और 5 को हमें क्या बनाना है 30 बनाना है, वैसे ही हमारे को 5 और 6 5/6 में इसको भी 30 बनाना है,
तो इसको हमारे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 6 से, तो ऊपर बन गया 24, और नीचे क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से, तो ऊपर बन गया 25। अब 24 और 25 में 25 क्या होता है, बड़ा होता है, तो 5/6 वाला जो रेशनल नंबर है ये क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्या कर दिया जाए, अच्छे से सोल्व आउट किया कर दिया जाए। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।